नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके से फर्जी फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मिठाई की दुकान पर जाकर खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर उगाही कर रहा था। गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस को सूचना दी गई थी कि फर्जी फूड इंस्पेक्टर देवेंद्र कुछ मिठाई की दुकान से उगाही करने के लिए आया है। फूड विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और इसके बाद आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम देवेंद्र बताया गया, लेकिन उसका असली नाम सुधीर है। वो खुद को देवेंद्र नाम का फूड इंस्पेक्टर बताकर मिठाई की दुकान पर जाकर उनसे रुपए ऐठा करता था। वो आप ये सज्जन मेरी दुकान पर आए, मेरे से बोल रहे कि अपना FSSI का लाइसेंस दिखाइए, फूड इंस्पेक्टर, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। मैंने इन्हें लाइसेंस दिखाया, दिखाने के बाद में उसमें खामियां बताने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैंने कहा सर, जिन्होंने मेरा लाइसेंस बनाया है मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। मैंने विभाग में फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाने के बाद में विभाग से मेरे को जानकारी मिली कि वो फर्जी है, आप उसको वहीं पकड़ के रखें, जाने ना दें। और जैसे ही मैंने इसको पकड़ने की कोशिश करी तो ये मुझे धक्का मार के भागने लगा। 5,000 रुपये मेरे से इसने पहले मांग की थी कि आपका ये काम हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, अन्य आपको बंद हो जाएगी दुकान फलाना, उल्टी सीधी बातें करी। जैसे विभाग की मैंने इनसे बात कराई तो विभाग से भी अकड़ के ये बोला कि मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है और मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। और मुझे संदेह होने पे मैंने यहाँ फ़ोन किया, फिर चौकी में फ़ोन किया, सर आ गए, सर ने आके इसको पकड़ा दिया। ये लगभग कितने दिनों से ये इस प्रकार की ये तो करीब पहले भी 1-2 साल पहले भी आया था, हमारी दूसरी शॉप पर आया था, वहाँ से भी पैसे ले जा चुका है। आज मेरे पास ये पहली बार आया था तो मुझे संदेह होने पर मैंने यहाँ इसका रिपोर्ट किया। सर, एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पकड़ा गया है जो फर्जी है, क्या है पूरा मामला? ये एक दुकान पर यहाँ सिंघानी रोड पर जो है मिठाई विक्रेता के दुकान पर ये अपने को फूड सेफ्टी अफसर बता कर जो है और उनके दुकान का निरीक्षण कर रहा था। जो विभागीय लाइसेंस प्रदान किया गया था उसको ये अवैध और फर्जी बताते हुए धन की मांग कर रहा था उनसे, तो उन्होंने विभाग को सूचना दिया। विभाग के अधिकारियों से इसकी शिनाख्त कराई गई। ये विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है और कब से ये काम कर रहा था? अब तक लगभग कितने लोगों से इसने ठगी की होगी? ये कई बार शिकायतें विभिन्न लोगों से प्राप्त होती रही है विगत लगभग 3 वर्षों से, जैसा बताया जा रहा है। और व्यापारी ने बताया कि ये अपना परिचय वहाँ देवेंद्र चौधरी बता रहा था अपना नाम, लेकिन जो ID अभी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है उसमें इसका नाम सुधीर कुमार बताया जा रहा है। लगभग कितने लोगों से इसने ठगी की होगी अब तक? अब ये जहाँ तक ये दसियों लोगों से ठगी किया होगा, संज्ञान में है ये, इतना मतलब कार्यालय में आके लोगों ने बताया। पेश है गाजियाबाद से सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट।